गुड मॉर्निंग बच्चों, शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम रिवीजन कर रहे थे और आज हम चैप्टर नंबर 5 का रिवीजन करेंगे। चैप्टर नंबर 5 है श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र क्या होता है बच्चों? सांस लेने के लिए जिस सिस्टम का हम उपयोग करते हैं उसे ही हम श्वसन तंत्र कहते हैं। तो पृथ्वी पर अधिकतर सजीव प्राणी सांस लेते हैं और वो सांस लेने के लिए फेफड़ों का प्रयोग करते हैं। ये होते हैं हमारे फेफड़े। तो इससे मनुष्य सांस लेता है। साथ ही कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो सांस लेने के लिए फेफड़े नहीं गिल्स का प्रयोग करते हैं, जैसे कि मछली हो गई। श्वसन तंत्र के अंगों के अंतर्गत नाक और कभी कभी मुंह भी आता है। तो इस प्रणाली में हम क्या करेंगे, नाक से या मुंह से सांस लेते हैं और वो फेफड़ों में फिर जाती है, जो प्रचुर मात्रा में रक्त वाहिका की सप्लाई करती है। यानी फिर हमारी जो ऑक्सीजन है वो हमारे फेफड़ों तक आती है। सांस लेने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर को हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आप देखिए, स्थलीय जंतुओं का क्या अर्थ है बच्चों? स्थलीय जंतु वो होते हैं जो कि स्थल पर रहते हैं। यानी कि जंतुओं को स्थल और जलचर दोनों भागों में बांटा गया है और जो स्थल पर रहते हैं उन्हें हम स्थलीय जंतु कहते हैं। फिर है अंतःश्वसन और निःश्वसन क्या होता है, यानी कि सांस लेने को अंतःश्वसन यानी इनहेलेशन कहते हैं और सांस को बाहर छोड़ने के लिए, यानी जब सांस हम बाहर छोड़ते हैं तो उसे निःश्वसन यानी एक्सहेलेशन कहते हैं। और ये गैसों का आदान प्रदान होता है, मतलब जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, श्वास रंध्र क्या होते हैं? तो जो कीट होते हैं, कीड़े मकोड़े, ये क्या होते हैं, ये इनके शरीर पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं और ये इन्हीं छिद्रों के द्वारा सांस लेते हैं और इन छिद्रों को हम श्वास रंध्र या स्पाइरकल्स कहते हैं। केचुआ अपनी नमीयुक्त त्वचा से सांस लेता है। केचुआ कैसे सांस लेगा, वो अपनी नमीयुक्त त्वचा से सांस लेता है। अच्छा, धूम्रपान हमारे फेफड़ों की कोशिकाओं को जहरीला बनाकर हानि पहुँचाता है, इसीलिए बच्चों किसी को धूम्रपान नहीं करना चाहिए। हृदय की धड़कन क्या होती है? तो हृदय की धड़कन, मनुष्य में हृदय की धड़कन और औसत दर पर मिनट 72 बार होती है। मतलब क्या होता है कि इंसान एक बार में 72 बार, मतलब एक मिनट में 72 बार सांस लेता है और छोड़ता है, तो इसे ही हृदय की धड़कन कहते हैं। श्वसन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं? तो अभी मैंने बताया था हमने कि श्वसन तंत्र के अंगों के अंतर्गत नाक और हमारा मुंह भी आता है। कभी कभी लोग नाक बंद हो जाती है तो वो मुंह से भी सांस लेते हैं और फिर वही सांस हमारी कहाँ, फेफड़ों तक जाती है और वहाँ से फिर ऑक्सीजन हमारे रक्त में घूमती है। उसके बाद देखिए, सही विकल्प पर सही का निशान, हमारा श्वसन तंत्र सांस लेने में सहायता करता है। तो क्या सांस लेने के लिए सहायता करता है? श्वसन तंत्र। हमारी नाक सांस लेने में सहायता करती है। ऑक्सीजन ग्रहण करने को अंतःश्वसन कहते हैं और निकालने को निःश्वसन कहते हैं। चिड़िया और छिपकली फेफड़ों से ही सांस लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति में देखिए, मछली अपने गलफड़ों द्वारा सांस लेती है। टैडपोल क्या होता है, जो मेंढक का बच्चा होता है उसे टैडपोल कहते हैं, वो गलफड़ों से सांस लेता है। केचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है और कीटों के शरीर पर श्वास रंध्र होते हैं, वो उनके थ्रू सांस लेते हैं। फिर सही विकल्प पर सही गलत के निशान हमें मैच करने हैं, यानी मिलान करना है। सांस लेना अंतःश्वसन, सांस छोड़ना निःश्वसन। श्वास रंध्र छोटे छोटे छिद्र होते हैं। टैडपोल गलफड़ों से सांस लेते हैं। दिल की धड़कन 72 बार होती है एक मिनट में, यानी एक मिनट में 72 बार दिल धड़कता है। तो बच्चों, चैप्टर आपको समझ में आया होगा, राइट? सो अब आपको एक बार फिर से इसकी रीडिंग लगानी है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।